कश्मीर, जिसे नवाजा गया है जन्नत के ताज से। लेकिन क्या है जन्नत? यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, गुलमर्ग के बर्फ से ढके हुए पहाड़, सोनमर्ग के खूबसूरत रास्ते, पहलगाम का ये सुंदर सा दृश्य, बर्फ के बीच चलती हुई कश्मीर की ये ट्रेन जर्नी, कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, या फिर यूं कह लीजिए कि ये सब चीजें ही तो मिलाकर कश्मीर को धरती पे जन्नत बनाती है। और इसीलिए तो कहते हैं कि गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मतलब कि अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है और यही है, यानी कि कश्मीर में है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं धरती पे स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को, और जानते हैं कि कैसे आप कश्मीर का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कश्मीर ट्रिप के बारे में, कैसे आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हो, कैसे आप लोग कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर सीजन में, हर वेदर में एक अलग सुंदरता देखने को मिलती है। तभी तो कहते हैं कश्मीर को धरती पे स्वर्ग, यानी कि धरती पे जन्नत। तो अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो किसी भी सीजन में, विंटर्स में, समर्स में, ऑटम में, किसी भी सीजन में, तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक परफेक्ट कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और एक सबसे खास चीज, अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप नहीं भी जा रहे हो तो भी मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखने, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको कश्मीर यानी कि जन्नत हिंदुस्तान का वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कश्मीर ट्रिप के बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको हर सीजन, हर वेदर में एक अलग ब्यूटी देखने को मिलती है। एंड कश्मीर में घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से कश्मीर को एक्सप्लोर किया। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने एक ट्रैवल कंपनी से पैकेज लिया था जिनका नाम है वे फॉर ट्रैवल्स। ये कस्टमाइज टूर पैकेजेस आपको प्रोवाइड कराती हैं एंड इनकी हेल्प से मैं कश्मीर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाया। इनकी सारी फैसिलिटीज जो इन्होंने मुझे कश्मीर में प्रोवाइड कराई वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर तक पहुंचने की। तो कश्मीर तक पहुंचने के लिए आप लोग बाय फ्लाइट किसी भी शहर से आ सकते हैं। आपको हर मेजर सिटी से डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर की फ़्लाइट देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग बाय रोड यहां ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से श्रीनगर कश्मीर का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स का। और अगर रोड कंडीशंस की बात करें तो पूरा ही रूट नेशनल हाईवे के अंडर आता है, लेकिन जम्मू के बनिहाल और रामबन के बीच 30 किलोमीटर्स का पैच आता है जहां पे लैंडस्लाइड एरिया है एंड यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। इसके अलावा आपको रोड कंडीशंस में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, हमने अपने कश्मीर ट्रिप में सबसे पहले श्रीनगर पहुंच के होटल में अपने चेक इन किया, जो कि हमें वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी ने प्रोवाइड कराया हुआ था, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। फिर डे वन की शुरुआत हमने करी गुलमर्ग को एक्सप्लोर करके, कश्मीर के अंदर विंटर वंडरलैंड कहे जाने वाले गुलमर्ग में। सो गाइस, ये है अपना होटल जहाँ पे स्टे किया हुआ है, होटल ओरिएंटल मैंशन। ये वही वे फॉर ट्रैवल कंपनीज है ना, उनके अंडर ही है। गुलमर्ग कश्मीर का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है और साथ ही बेहद खूबसूरत जगह है, जो कि विंटर वंडरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह श्रीनगर से ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। एंड गाइस, गुलमर्ग से 15 किलोमीटर पहले आपको एक जगह देखने को मिलती है टंगमर्ग। अगर आप लोग विंटर्स में कश्मीर गुलमर्ग विजिट कर रहे हो तो स्नो की कंडीशंस में टंगमर्ग से आगे नॉर्मल गाड़ी या टैक्सी को अलाउ नहीं किया जाता ड्यू टू ब्लैक आइस। इसके आगे सिर्फ स्नो चेन्स या 4x4 व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाता है, जो कि आपको यहाँ से ईजिली मिल जाती हैं। सो गाइस, अगर आप लोग चाहें तो अपने टूर पैकेज में टंगमर्ग से आगे स्नो चेन व्हीकल्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वे फॉर ट्रैवल कंपनी आप सभी के लिए कस्टमाइज टूर पैकेज बनाकर देते हैं। एंड गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप कश्मीर में किसी भी जगह पे ट्रैवल करते हो, चाहे गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज वाले काफी ज्यादा मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। इनसे आप लोग प्लीज अलर्ट रहिएगा। तो गाइस, ये देखो टंगमर्ग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, एंड देखना एंटर होते ही गाइड वाइड ये लोग पीछे बढ़ेंगे यहाँ से। ये देखो देखो, रोकने लग गया बहुत, पूरी तरह पीछे बढ़ जाते हैं यहाँ पे यार। गाइड स्लैजिंग, ये कर लो वो कर लो, फलाना ढिमकाना, मतलब यार जबरदस्ती करते हैं ये लोग यार, कसम से यार गुस्सा भी आता, लेकिन क्या करूँ। फिर भी मैं तो ये बोलता हूँ कि यार
इनकी भी चलो ठीक है, रोजी रोटी इसी से है क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, ये चीज़ मुझे गलत लगती है बस। लेकिन अगर आप ट्रैवल कंपनी का टूर पैकेज वगैरह लेके आते हो ना तो वो लोग सारा मैनेज करवाते हैं, फिर आपको झंझट ही नहीं पड़ता। सो गाइस, टंगमर्ग से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये 13 से 14 किलोमीटर गुलमर्ग तक का सफर बेहद ही शानदार होता है, एंड आपको इस बात का एहसास होता है कि क्यों कहते हैं गुलमर्ग को विंटर वंडरलैंड। तो गाइज ये देखिए, वो है मेन रोड, गाड़ी हमने उस तरफ खड़ी करी है, यहाँ पे हमने कहवा एंजॉय किया, एंड ये देखिए टेम्पल है इधर। बेसिकली ये इस तरफ पूरा मेन गुलमर्ग ग्राउंड है, स्कीइंग वगैरह भी होती है, वो मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ से उतर रहे हैं नीचे, थोड़ा इधर स्लिपरी है, लेकिन आगे मेन जगह पे भाई बर्फ दिख रही है बढ़िया वाली। हाँ जी गाइज, देखिए टेम्पल पे आपको लेके आ गया हूँ मैं, देख मैंने भी दर्शन करे अंदर जाके, एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है, देखो वो उधर मेन रोड है, वहाँ से हम आए, इधर स्टेयर्स है, इधर से ये रहा टेम्पल। ये देखिए, ये है महारानी जी टेम्पल, एंड अंदर शिवलिंग है, स्नो कवर्ड कर रखा है, मतलब बर्फ़ से अभिषेक किया हुआ है। तो ये देखिए, एंड यहाँ से पूरे ग्राउंड का आप व्यू 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं, दिखाता हूँ। बेसिकली लास्ट मंथ जब मैं आया था ना, तो मैं इधर आके निकल गया था, मंदिर नहीं आ पाया था, लेकिन मेरे को था कि आना है, तो अब मैं इस बार ऊपर आया, अंदर दर्शन भी करे माथा टेका। हमारे का तसल्ली से आप सबको यहाँ से जो व्यू दिखता है 360 डिग्री गुलमर्ग ग्राउंड का, वाओ, हैव अ लुक, देखो ज़रा। ये देखिए टेम्पल की बैक साइड से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, स्नो ही स्नो है, स्नो ही स्नो। सो गाइस, गुलमर्ग में आप लोग अलग अलग एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग एंड स्लेजिंग, एंड आप लोग गुलमर्ग की फेमस गोंडोला राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन एडवांस में टिकट्स बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि गुलमर्ग की गोंडोला राइड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, एंड इसीलिए ऑन द स्पॉट टिकट्स नहीं मिल पाते। सो गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग श्रीनगर से गए पहलगाम एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका डिस्टेंस पड़ता है श्रीनगर से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स का। एंड पहलगाम के रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं सैफ्रॉन यानी कि केसर के खेत। अगर आप लोग कश्मीर सितंबर के मंथ में विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे केसर के फूल भी देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लोग पहलगाम जाएंगे तो आपको ऑन द वे हाईवे पर ही एक शॉप देखने को मिलती है, जिसका नाम है नूर मोहम्मद भट्ट। ये शॉप फेमस है ऑथेंटिक केसर के लिए। हाँ जी गाइस, जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो इसी हाईवे पे आपको देखने को मिलती है एक शॉप है नूर भट्ट, एंड यहाँ पे आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल केसर और ड्राई फ्रूट देखने को मिलते हैं। एंड ये जो शॉप है नूर भट्ट, ये ब्रांड है बेसिकली, तो आपको जब भी कश्मीर में आओ केसर वगैरह लेनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँ यहीं से लेना। जो लोकल शॉप्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत डुप्लीकेसी बहुत रहती है, केसर यार सबको पता है कितनी फेमस चीज़ है, एंड बहुत हेल्थी बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो भाई हैं ये अच्छे से बता रहे हैं, आप सब एक एक दो पीस तो मुँह के अंदर हल्का सा बिटर टेस्ट आएगा और ये अपना कलर छोड़ेगा पीला, पीला छोड़ने के बाद जो पत्ता रहेगा वो लाल का लाल ही रह जाएगी, केसर की पहचान होती है। जब आओ देखो कलर आ रहा है, पत्ता लाल का लाल ही है, ये केसर की पहचान होती है। अगर केसर घुलेगा डिजॉल्व हो जाएगा, समझो वो केसर नहीं रहता है। अच्छा, केसर घुलता नहीं है, केसर अगर घुलेगा समझो वो केसर नहीं रहेगा। ये 1 ग्राम है 300 रुपए की, 2 ग्राम 600, 5 ग्राम 1500, 10 ग्राम 3000, 3000 का, 6000 का, इसमें 1 किलो 3 लाख आपको चाहिए बता रहा हूँ, आपको चाहिए वो ले सकते हैं। एंड गाइस, पहलगाम के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कश्मीर के अंदर पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आप लोग पहलगाम नहीं घूमे दैट मीन्स कि आप लोग कश्मीर घूमे ही नहीं। तो जब आप लोग पहलगाम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको बीच में एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग फ्रेश एप्पल का जूस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, ये है एप्पल जूस, ओह भाई क्या टेस्ट है। तो ये चीज़ है एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच फ्रेश एप्पल जूस, अच्छा टेस्टी है भाई, देखो बढ़िया। सो गाइज, वैसे तो कश्मीर में सारी जगह श्रीनगर से वन डे ट्रिप में आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम भी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे श्रीनगर अपने आप में एक सेंटर है, ऐसे ही पहलगाम भी अपने आप में एक सेंटर है,
दैट मीन्स कि पहलगाम में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि बेताब वैली, चंदनवाड़ी, एरू वैली, बैसरन वैली। तो अगर आपको पहलगाम को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो पहलगाम के लिए स्पेशली आपको 2 दिन चाहिए होते हैं। दैट मीन्स कि आपको एक नाइट स्टे पहलगाम में करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम एंड बजट का कोई इशू नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक नाइट पहलगाम में ज़रूर रखिएगा एंड इसी के अकॉर्डिंग अपना टूर पैकेज प्लान करवाइएगा। हाँ जी गाइस, तो पहलगाम में सबसे पहले पॉइंट में पहुंचे बेताब वैली। पहलगाम जो मेन मार्केट है उसे थोड़ा सा आगे पड़ता है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, आरू वैली, बैसरन वगैरह। बेताब वैली का एंट्री गेट है, टिकट काउंटर है, टिकट कट दी है। एडल्ट्स की 100 रुपीज़ है, 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 50 रुपये। सो ये देखिए गाइस, एंटर करते ही बेताब वैली के अंदर कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है, फर्स्ट लुक। और ये देखो, और सबसे खास चीज़ बेताब वैली की मेरे को लगती है ना सुंदर, वो ये कि अंदर जाके पूरा खुला ग्राउंड है वो अच्छे से दिखाऊंगा, लेकिन साथ में जो रिवर फ्लो होती है ना, आप ये इसे बहुत सुंदर बनाती है। भाई देखो ज़रा क्या बात है, ये पूरा नज़ारा बहुत सुंदर है। और विंटर्स में जैसे स्नो पड़ी है ना, तो ये एक अलग ब्यूटी देखिए, है ना सुंदर। एंड गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बेताब वैली फेमस है कि यहाँ पे सनी देओल की मूवी थी बेताब, वो उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद जगह का नाम बेताब पड़ गया था। और ये देखिए सामने जो ब्रिज देख रहे हो ना रिवर के ऊपर से, इस ब्रिज पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में एक सॉन्ग है इश्क वाला लव, उसकी शूटिंग इस ब्रिज के ऊपर हुई थी। एंड ये जो नज़ारा नीचे रिवर फ्लो हो रही है, ये आप ट्रीज देख रहे हो ना, ये विंटर्स में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है इसमें लुक, मतलब सूखे सूखे से। जब गर्मियों में आते हैं, मैं गर्मियों में भी यहाँ पे आ रखा हूँ, जब गर्मियों में आते हैं तो पूरा एक अलग व्यू, बिल्कुल हरियाली, नीचे रिवर और लैंडस्केप ऐसा, तो वो एक अलग व्यू होता है। अभी ये स्नो वाला व्यू देखने को मिल रहा है विंटर्स में, तब एक अलग रहता है। सो गाइस, इसके बाद हम लोग गए चंदनवाड़ी, जो कि बेताब वैली से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर आगे पड़ता है। चंदनवाड़ी ही वो जगह है जहाँ से पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत होती है। एंड बेताब वैली से चंदनवाड़ी तक का रास्ता बेहद ही सीनिक रूट है, और इस 8 किलोमीटर के सफ़र में आपको पता चलता है कि क्यों कहते हैं पहलगाम को कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड। सो गाइस, चंदनवाड़ी ये जगह है जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। वैसे 2 रास्ते होते हैं, एक बालटाल से भी, वो शॉर्ट रूट पड़ता है, लेकिन जो पारंपरिक रूट की बात होती है वो पहलगाम चंदनवाड़ी से। तो काफ़ी पवित्र जगह भी आप इसे बोल सकते हैं, काफ़ी पवित्र जगह है। हर हर महादेव, रिवर फ्लो हो रही है, ऐसा कुछ सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है, तो ये चीज़ है। इसके लिए आपको मैं बोलूँगा आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए। मतलब पहलगाम की ब्यूटी एक ऐसी है कि यार आपको हर जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। ऐसे बेताब वैली आपने देखा, उसके बाद जब चंदनवाड़ी आया तो भाई वो ड्राइव का मज़ा था, और यहाँ पे जो सीनिक रूट ब्यूटी देखो ज़रा, ये कुछ है क्या बात है भाई, सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। सो गाइस, इसके बाद आप लोग एक दिन रखिएगा श्रीनगर से सोनमर्ग एक्सप्लोर करने के लिए। एंड इसका डिस्टेंस पड़ता है श्रीनगर से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स का। एंड मैं आपको बता दूं कि जब सोनमर्ग हम जाते हैं तो यहाँ के रास्ते बेहद ही खूबसूरत हैं। जम्मू कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत जगह, जो कि जाना जाता है मेडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी। एंड विंटर्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है थजिवास ग्लेशियर की सुंदरता। एंड साथ ही यहाँ पे आप लोग जोजिला पास या जीरो पॉइंट भी विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग विंटर्स में यहाँ जा रहे हैं तो जोजिला पास या जीरो पॉइंट मोस्टली आपको बंद मिलता है ड्यू टू हैवी स्नो। तो सोनमर्ग पहुँचने के बाद आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं थाजीवास ग्लेशियर, जिसका ट्रैक करना होता है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स का, जो कि आप लोग घोड़े खच्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो बाय वॉक भी इजीली इस ट्रैक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोग कश्मीर के मेन अट्रैक्शंस गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम को इजीली 3 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी कश्मीर में आपको अनएक्सप्लोर्ड एंड हिडन जगह बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि दूधपत्री, युसमर्ग, डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितना टाइम एंड बजट है। बट मैं आपको इतना तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम ये तो ज़रूर से अपने ट्रिप में रखिएगा। और इसके अलावा एक दिन ज़रूर से रखिएगा श्रीनगर लोकल को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमने लास्ट डे एक्सप्लोर किया हाउस बोट में स्टे करके। जी हाँ, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक नाइट हाउस बोट में स्टे ज़रूर रखिएगा। हाउस बोट स्टे से पहले मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी हाउस बोट के बारे में, कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन
टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा फर्स्ट टाइम हाउस बोट में एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. एंड ऑल थैंक्स टू वे फॉर ट्रैवल्स, क्योंकि इन्होंने मुझे सुपर डिलक्स हाउस बोट बुक करके दी थी जिसमें मुझे ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई. एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूडेड था. एंड गाइज देखिए, अगर बात करें प्राइस की तो ये वाली जो हाउस बोट है ये सुपर डिलक्स के अंदर, क्योंकि हाउस बोट्स में बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती है तो ये सुपर डिलक्स के अंदर आती है. इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है. इसके अंदर आपको हीटर मिलता है एंड इसके बाद आपको जो हॉट वाटर बैग है वो भी मिलते हैं इसके अंदर. एंड कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट की बहुत ज़्यादा इशू है, यहाँ पर आपको वो भी दिक्कत नहीं होती. यहाँ पर आपको जनरेटर्स वगैरह लगा रखे हैं. वाई फाई फैसिलिटी भी इस हाउस बोट के अंदर आपको अवेलेबल है. तो गाइज अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है, डिनर भी बहुत अच्छा था, यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी. एंड देखिए ब्रेकफास्ट जो हमारा लगा हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार चेक कर लेते हैं. या पोहा, अरे वाह, पोहा है, ब्रेड बटर जैम है, बटर भी दिया हुआ है, अपने आप लगाओ आराम से जितना मर्जी लगाओ. और ये छोटे छोटे से ग्लास भी रखे हुए हैं इधर, इसमें भी चाय पी सकते हैं क्या? सही है, एंटी कैंटी चीज़ें ज़्यादा रखी हुई है ना. और इधर अचार वगैरह भी रखे हुए हैं, किसी को अचार वगैरह की जरूरत है तो वो उसके इतनी में. तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, बढ़िया है, पेट फुल एकदम, और टेस्टी भी था यार, नो डाउट. एंड ये देखिए, जब हम लोग कल आए थे ना अपना लगेज लेके, तो यहाँ से अपनी एंट्री हुई थी, वहाँ से आए इधर से ऊपर, शिकारा यहाँ रुकी थी अपनी, यहाँ से आए एंड ये एंट्री हुई थी. और ये अपनी हाउस बोट है, वो बाहर जो बैठने का एरिया है ना, पूरा व्यू आता है इधर से. तो ये हाउस बोट है, यहाँ से अपनी एंट्री हुई थी. और यहाँ पे जितने भी गेस्ट्स आते हैं सबके शूज़ यहाँ पे होते रहे जिससे कि अंदर गंदा ना हो, क्योंकि अंदर पूरा वुडन और कालीन वाली बिछे हुए ना, यहाँ से ये अपने स्लीपर्स देते हैं. उसके बाद यहाँ पे गर्मियों में बेसिकली यहाँ पे सबको इकट्ठा बैठा के जाते हैं, ओपन होता है ना, अभी तो फिलहाल बंद है क्योंकि विंटर्स में तो अंदर ही डिनर वगैरह कराते हैं ब्रेकफास्ट. फिर ये देखिए, ये कुछ ऐसा है और यहाँ से एंट्री होती है अपनी हाउस बोट के अंदर. इधर वो डाइनिंग एरिया था, इधर अपने रूम है. ऐसे ट्रेन का फर्स्ट एसी का वाटपट होता है, ऐसा लगता है. देखिए ये अपना रूम था, मैंने आपको दिखाया ही था. ये इन्होंने हीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 12 बजे तक ही हीटर चलता है. और उसके बाद ये सबको एक एक जितने भी गेस्ट पर्सनली एक एक पर पर्सन के हिसाब से हॉट वाटर दे देते हैं ज़रूरत लगे तो. लेकिन मैं सही बताऊँ तो इतनी ज़रूरत लगी नहीं होगी, इतनी ठंड महसूस नहीं होगी, अंदर से बहुत अच्छा खासा गर्म था. एंड तीन तीन उन्होंने मतलब एक रजाई और दो कंबल दे रखे थे तो कोई दिक्कत नहीं लगी. और स्ट्रक्चर दिया है, मुझे इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लग रहा है. ये देखिए, ये जैसे कालीन है, वुडन स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे लाइट्स लगा रखी हैं. तो ये गर्मियों में यहाँ पे फैन भी है, कि गर्मियों में गर्मी होती है ना, तो फैन वगैरह भी सेटअप भी दे रखा है. देखिए भाई, है ना, रूम भी बढ़िया. हम ये दो बेड था और एक सिंगल बेड इधर था, साथ में विंडो है. भाई क्या बात है यार, सही है यार, बढ़िया है, बढ़िया. देखो नीचे भी ये पूरा वुडन का है, नीचे कालीन वगैरह बिछी हुई है, इसीलिए शूज़ बाहर रिमूव करवा देते हैं जिससे कि अंदर गंदा ना हो. एंड वॉशरूम के अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड. वॉशरूम के अंदर देखो, यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम में भी कालीन से रखे. और ये देखिए भाई, पूरा सही सेटअप है, बढ़िया, अच्छा है यार. सो गाइस, इस हाउस बोट में ना जो रूम्स दिखाए उससे अलग भी एक यहाँ पे रूम है, देखो जरा, स्पेशल रूम, स्वीट है पूरा. ये बेसिकली यहाँ से एंट्री है, बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलता है ये रूम. और एंटर करते भाई क्या शानदार लुक है, बेसिकली कपल्स वगैरह के लिए बढ़िया है ये. देखिए बेड भी भाई, कैसे मतलब हाउस बोट ने पूरी फील, क्या बात है. एंड इसमें स्पेस भी ज़्यादा है इस वाले रूम में ना. एंड सामने कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है आपको पूरा. क्या बात है, देखिए. और इधर विंडो है और इधर आपका वॉशरूम आ जाता है स्वीट रूम में. एंड गाइस, हाउस बोट में आप लोग शिकारा के थ्रू अपने लगेज के साथ हाउस बोट तक पहुंचते हैं. सो गाइस, हाउस बोट में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप लोग श्रीनगर लोकल एक दिन में इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं. मॉर्निंग में शिकारा राइड एंजॉय करने के बाद आप लोग शंकराचार्य टेम्पल जाइए, जहां से आप लोग पूरी श्रीनगर सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं. एंड इसके साथ ही श्रीनगर में आप लोग मुगल गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक अलग ही सुंदरता कश्मीर श्रीनगर की देखने को मिलती है. एंड गाइज, अगर आप लोग विंटर्स में कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कश्मीर की ये ट्रेन जर्नी ज़रूर अपने टूर पैकेज में रखिएगा. जी हाँ, क्योंकि विंटर्स में स्नो के बीच जब ये ट्रेन चलती है
तब आपको एहसास होता है कि क्यों कहते हैं कश्मीर को जन्नत। ये ट्रेन सर्विस बनिहाल से बारामूला सेक्शन के बीच में चलती है, जो कि एक लोकल ट्रेन फैसिलिटी है। अगर आप लोगों को इस ट्रेन जर्नी को एंजॉय करना है तो आप लोग श्रीनगर से बनिहाल या श्रीनगर से बारामूला तक का सेक्शन एंजॉय कर सकते हैं। इस ट्रेन जर्नी में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का सफ़र रहता है, जिसमें आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं अगर आप लोग विंटर्स में ट्रैवल करते हो तो। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोग एक परफेक्ट कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा कश्मीर ट्रिप। मैंने किस तरीके से कश्मीर को एक्सप्लोर किया एंड कैसे आप लोग भी एक परफेक्ट कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हो, ये इस वीडियो मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। एंड यार, जैसे कि आपको बताया था, मैंने इस कश्मीर ट्रिप में पैकेज लिया था वेफूड ट्रैवल्स कंपनी से। मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ बहुत अच्छा रहा। इन्होंने मुझे होटल्स प्रोवाइड कराए थे, हाउस बोट्स प्रोवाइड कराए थे, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। इनकी सबसे खास चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि कस्टमाइज टूर प्लान्स बना के देते हैं आपको। जैसे कि मैं गया था अपनी गाड़ी से, मैंने अपनी गाड़ी से ट्रैवल किया या दिल्ली से श्रीनगर एंड सारा एक्सप्लोर किया, इन्होंने मुझे होटल्स प्रोवाइड कराया, मील्स प्रोवाइड कराई, हाउस बोट का स्टे प्रोवाइड कराया। अगर आप लोग फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जम्मू से ट्रैवल करना है या फिर आप लोगों को ट्रेन चाहिए, कुछ भी जैसा आपको कन्वीनियंस चाहिए, आपके कंफर्टेबल आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये आपको पैकेजेस बना के देते हैं। एंड गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यार देखो, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन टू सीजन, कौन से सीजन में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ऑफ सीजन है या ऑन सीजन है, विंटर्स है समर्स है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलूँगा, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा कंपनी की, आप लोग जाके उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट यार, एंड वो आपको सारी क्वेरी आपकी सब कुछ अच्छे से गाइड करेंगे। एंड सिर्फ कश्मीर के ही नहीं, ये आप लोग को अलग अलग डेस्टिनेशन के पैकेज देते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। एंड ये वीडियो कैसी लगी, कश्मीर ट्रिप कैसा लगा बताना ज़रूर यार, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो कि आने वाले दिनों में बहुत धमाकेदार कंटेंट बहुत अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना, ट्रैवल करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बिंदास रहो और वीडियोज़ देखते रहो। बाय।